everyone, it's Shivangi. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good and I am doing good too. So, आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज पूरे पूरे दिन मैं कुछ कुछ करने वाली हूँ और मे भी आज मैं जाऊँ अपने ग्रूमिंग के लिए. दो आई एम डन विद आईब्राउ, फोरहेड, अपर लिप एंड वैक्सिंग, बट मुझे जो ट्रीटमेंट लेना था अपनी डर्मैट के पास, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी वो चीज़ करवाने का. सो आई थॉट कि अब आई शुड गो फॉर हाइड्रा फेशियल टुडे, और आफ्टर सो 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 लॉन्ग आई एम गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ फेशियल. लास्ट मैंने कराया था इमरजेंसी में देहरादून में फेशियल, अदरवाइज मैं फेशियल वगैरह प्रेफर नहीं करती हूँ, डायरेक्ट ट्रीटमेंट लेती हूँ, विच इज़ लाइक बेनिफिशियल फॉर मी कि मेरी स्किन को जो उस समय नीड होता है उस तरह के ट्रीटमेंट मुझे मिल जाती है, और आई एम गुड टू गो फॉर 6 months then. तो yes, तो उसके सब्स्टिट्यूट में अभी यही मेरे लिए बेस्ट रहेगा. तो मैं यहाँ के बेस्ट 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 सैलून में जाऊँगी, जो कि पहले बहुत सर्च करना पड़ता था कि नहीं देवास में भी कुछ ऐसे मिल जाए जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसे एक्सपर्टीज़ हो. सो आई एम सो ग्लैड कि फाइनली आई फाउंड वन 2 years back. तो अब मुझे टेंशन नहीं होती है यहाँ आने पे कि अगर मेरा कुछ छूट गया है इन ग्रूमिंग तो मुझे वापस से इंदौर जाना पड़ेगा एंड उसको करवाना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू कम बैक. सो या अभी चलते हैं नीचे. आज मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, दैट इज़ आलू का पराठा, ऑल थैंक्स टू हिम. इन्होंने डिमांड किया था और मेरी खुशी हो गई. सो आज होगी भाभी की ग्रूमिंग. नमस्ते दी. अच्छा भाभी, अरे तब भी मैं दीदी बोलूँगी. सो हे एवरीवन, आई एम ऑल रेडी और मैं जा रही हूँ सैलून अपना हाइड्रा फेशियल कराने. सो दिस इज़ माय लुक फॉर टुडे, और इसकी रील मैं नहीं बना पाई, बट होपफुली अगर कल मैंने अपनी हिम्मत दिखाई तो मैं वापस से ये ड्रेस दोबारा से डाल के इसकी पूरी कंप्लीट रील बनाऊँगी. सो यस, अभी तो मैं चलती हूँ फटाफट. वी आर बैक, और अब हमारा वेलकम कर रहे हैं इस घर के शहजादे नवाबजादे. वैसे ये शहजादी और नवाबजादी होगी, इसके जो नखरे हैं ज्यादा तो नहीं हो सकते. इधर आओ, कहाँ अकेली घूम रही हो? बेबी हो कि नहीं हो? उनके यहाँ बहुत गंदी वाली भीड़ थी तो हम वापस आ गए. अभी हमने बोला हम कल सुबह 10 बजे आएंगे और 11-12 बजे तक हमारा हो जाएगा, फिर हम लोग तुरंत यहाँ आएंगे, आपको लेंगे और चल देंगे देवास मार्केट. और वो तू नहीं लेके आई होगी ब्लाउज? नहीं, उधर दूंगी इंदौर में. वो कल से फोन करके पूछा था, उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा दिवाली से पहले, तो कल वहाँ दे. यस, मैंने कहा आप अपने फोन से एक बार लगा के करो, देखते हैं अगर सुबह यहाँ निपट लिए फिर. तो ये तो नहीं जा पाएंगे, इनका 4 बजे मेहंदी का अपॉइंटमेंट. 4 बजे है? और शाम का इनका? कोई नहीं, टेलर को तो मैं ही आऊंगी, मेरे को भी पता है. ठीक है ठीक है ठीक है, डन. तो ये डिसाइड हो गया. हाँ. क्योंकि जब तक भाभी देकर आएंगे तब तक तो मेरी मेहंदी ही लग रही होगी. हाँ. तो हो जाएगा डन. खाना तो खा लो, आपने खाया नहीं है? मन्नू खा गए. हाँ, खा के भाई आपने जैसे फोन पे मुझसे बात की थी, एक बार फिर से करो. क्या वो एक्सक्लूसिव है क्या? भाभी ने किया शूज है. अरे बेबी, अब मेरे शूज का मजाक उड़ा रहे हैं सब यहाँ पे. तो आते ही मुझे मिला है टास्क, मम्मी को लगाना है नेल पेंट, और ऐसा फुद्दू डे आज निकला हमारा. इसीलिए कभी भी आप कहीं पे भी बिना अपॉइंटमेंट के कभी मत जाइए, ऐसे बेइज्जती हो जाती है. लग गया नेल पेंट, दिखा दो मम्मी. ये मैंने नेल पेंट की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं. आप में से कौन कौन है जो नेल पेंट लगाता है और उसका स्किन पे बिल्कुल भी नहीं लगता? क्योंकि मेरा ज़रूर लगता है, हर एक फिंगर पे लगेगा, वो हैंड वॉश के बाद चला जाता है, वो इतना क्या कहते हैं उसको,
टेंशन लेने का नहीं रहता है, बट फिर भी मेरा लग जाता है। कई लोग लगाते हैं, उनको नहीं लगता, जैसे भाभी लगाती हैं तो साइड में बहुत रेयरेस्ट केस में लगता है। चिक्कू प्रो है और यस ब्लाउज हो पाया कि नहीं? अच्छा तो कट मशीन चल रही है उसमें कि नहीं? हाँ क्या हुआ? ओके तो एक्चुअली भाभी का जो ब्लाउज था वो वेलवेट उस पर था, तो एक बार हम कंफर्म कर रहे थे टेलर आंटी से कि वर्क बहुत हैवी है, तो जैसे वर्क हाँ वो कि मशीन चलेगा कि तो नहीं, स्विच टूट जाती है। हाँ तो बस वही कंफर्म तो हो रहा है ना प्रॉपर, बोले कि जैसे उस पर अटकती है तो फिर वो ना निकाल देती है। हाँ सही, नहीं सुई टूटेगी आंटी। चलो अब एक घंटे का रेस्ट है, उसके बाद आ जाएंगी शुभांगी दीदी मम्मी को मेहंदी लगाने और कल हम लोगों को मेहंदी लगेगी। अब मैं बहुत तेज से चिल्लाऊंगी एज इफ मैं फोन पे बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फोन पे ही उमंग से बात कर रही थी, बट मैं चिल्लाऊंगी मत कर मत कर, और बाबू भैया डर जाएंगे, उनको लगेगा मैं उनको बोल रही हूँ। नहीं ठीक है, अब वो कर लिया। हाँ ठीक है, मत कर यार। और शुभांगी दीदी आ गई हैं वापस से मेहंदी लगवाने लगाने। हेलो दी, तो अभी लगने वाली है मम्मी को मेहंदी और मैं मीनवाइल लगाऊंगी अपने नेल पेंट। वो उधर बड़ा हो गया, मुंह से कुछ और लिया था। अरे ये रहा भाई, ये इधर दे। सब बाबा को बॉल के लिए एक्साइट कर रहे, क्या रिएक्शन था इसका। वो वो वो, अरे ये रहा, ये देख 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 देख, अरे वो पीछे, अरे वो ले क्या ले क्या, अरे वो रहा ले क्या, वो उधर गया, वो अरे देख रहा ले क्या, इसको वाइट ही चाहिए वाइट। जा ले क्या, वो रहा, वो 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 देख ले, वो रहा ले क्या ले क्या, क्या हुआ, वो रहा, वो देख लिया। और ये मम्मी की मेहंदी लग गई, वाओ। बताओ, मैंने सिर्फ तारीफ की और डर गए। सॉरी सॉरी, दीदी को लगा घर के अंदर उन्होंने कहां से हमला किया। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, इतनी जोर से चिल्लाई आप दोनों ने, रिएक्शन दिया वो जो इस घर की सुरक्षा के लिए है। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो आज भाभी ने डिसाइड किया है कि हम अपने वेडिंग एल्बम्स देखेंगे, सफाई करेंगे और इन दोनों के जख्मों को हम हरा करेंगे। फोटो में ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये प्यार नहीं है, ये इंतजार है कि जेन्युइनली मुझे बेड चाहिए और मुझे सोना है भाई साहब। नहीं तुम सपने देख रहे हो कि क्या क्या खाना बनाओ। हाँ फैक्ट है ये, वाह, ओह माय गॉड, ये कुछ
क्या है वो? बस नीचे पैर नहीं दिख रहे इसके। यहाँ पे देखी जा रही है मस्त, एक एक फोटो पे टिप्पणी। बस दूल्हे का मुंह आपका है। ये फोटो अच्छी लगती है मुझे। हाँ, क्योंकि मेरा मुंह नहीं दिख रहा है ना। This is the best photo. अरे भाई, जहाँ जहाँ मेरा फेस नहीं दिख रहा है, बैक साइड से फोटो आ रही है। ये इंसान बार बार बोल रहे हैं कि बेस्ट फोटो। कौन सी? कौन सी? अरे यार, वो डांस करने वाली ना, तब भाभी के एल्बम की ना, अभी खुलेगा वो भी खुलेगा। तो ये थे कुछ ग्लिम्सेस मेरे शादी के एल्बम के। अब मैं बताऊंगी कौन सी फोटो बेस्ट है। तो मैं भाभी के पूरे एल्बम में एक चीज नोटिस की है कि सारी विमेन ने लगभग जिसने भी हैंडबैग पकड़ा है, सबने उल्टा पकड़ा है। ऐसा क्यों? बता सकती हैं आप ऐसा क्यों? We don't want to show the labels. तुम हो ही नहीं इसमें। हाँ यार, कटवा के तुम्हारा ऐसा मुंडी लगवा देते। अगर आपने करा दिया, बस वो वाली फोटो नहीं लगाऊंगी भाई साहब। अगर ट्रोलर का फेस होता ना, तो वो कुछ इस तरह से ही होता। चिक्कू ने मुझे गिफ्ट दिया था, आई थिंक वो सिलेक्शन ऑफ फोटो पास से। मैं अपने आप को नहीं ट्रोल करा रहा था। नहीं नहीं, दुल्हन तो तब भी बेटर है, बट दूल्हे को स्पाइक्स निकले हुए हैं। जब शादी हुई थी हाथ, मुझे ऐसा लग रहा है काफी छोटे थे, अभी बड़े हो गए। ये आपने जो एक शादी का साइड इफेक्ट बताया, ये शायद बहुत अनोखा है। इनका कोई सुनना चाहेगा गाइस? जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, देखो मेरे हाथ कितने छोटे थे, देखो शादी के बाद बड़े हो गए। ज्यादा आ सकता है इसमें मेहंदी, अब मुझे ऐसा लग रहा है। कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि इस चीज से इनको कैसे उबर? गाइस, फाइनली हमें ओ स्त्री का लाना का सरकटा मिल चुका है। ये ओ स्त्री, ये ओ स्त्री है। देख ले क्या बोल रही है। और ये स्त्री यहाँ सरकटा। वो लोग अपना कुछ तो खेले जा रहे हैं, उन लोगों को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा। शादी के ऐसे ही वो उस दौर से गुजरना भी नहीं चाहते, और हम लोग उसी दौर को जिए जा रहे हैं। हम अपनी फोटो में ही हैं, अपनी फोटो में ही खुश हैं। अब हम सब लोग जा रहे हैं सोने, बिकॉज़ वी आर डेड टायर्ड टुडे। और यस, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस एज मच एज यू कैन, एंड दैट वे आर गोइंग टू हेल्प मी टू ग्रो। टिल देन, गुड नाइट, बाय।